उमगा वस्तुतः मंदिर बनाने की फैक्ट्री थी जहां पर कम से कम 200 से 300 साल तक मंदिर बनाए गए। उमगा एक ऐसा जगह जहां एक नहीं दो नहीं कई सारे मंदिर, एक ऐसा जगह जहां मंदिरों का निर्माण हुआ करता था। बिल्कुल सही सुना आपने, पटना से 120-130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उमगा एक छोटा सा गांव है जहां पहाड़ियों पे कई सारे मंदिर स्थित हैं। ये बात सन 2020 की है जब हमारी पूरी टीम उमगा की ओर रुख की थी। हमारा रिसर्च जीरो था, इसी वजह से हम कुछ खास नहीं ला पाए, लेकिन कहते हैं कि कुछ बेहतरीन चीज़ को लाने के लिए समय तो लगता ही है। साल 2021 का आया और अच्छा हुआ कि लेट हुआ, क्योंकि जो चीज़ें हमें पता चली वो हमारे होश को उड़ाने के लिए काफ़ी था। कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा जगह जहां मंदिरों का निर्माण होता था और वहां से अलग अलग जगहों पर मंदिरों को बनाया जाता था? बिल्कुल सही सुना। आज 21वीं सदी है जहां हम इंजीनियरिंग मार्वल्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि तकनीक कहाँ पहुँच गई। तो कभी सोचिएगा कि उस ज़माने में जब आधुनिकता इतनी चरम पे नहीं थी तो इस तरीके की चीज़ें कैसे हो जाती थी। तो ये है वीडियो उमगा के ऊपर। मेरा नाम प्रेमेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है उमगा। उमगा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, एक मंदिर नहीं, बल्कि एक बड़ी ऐसी परंपरा का प्रतीक है जहाँ पर मंदिरों का निर्माण हुआ करता था। उमगा वस्तुतः मंदिर बनाने की फैक्ट्री थी जहाँ पर कम से कम 200 से 300 साल तक मंदिर बनाए गए। अगर आप वहाँ पर जाएँ और उस जगह को देखते हैं तो मंदिर बनाने के प्रत्येक चरण आपको साफ साफ दिखाई देंगे, जैसे बड़े पहाड़ों से पत्थरों को तराशना और उनको मन मुताबिक आकार देना, उनको मंदिर के ढांचे के अनुरूप बनाना, ये सारी प्रक्रिया वहाँ बिखरी हुई है। सारे पुरातात्विक साक्ष्य पूरी पहाड़ी पर बिखरे पड़े हैं। अब चूंकि ये मंदिर बनाने की फैक्ट्री थी, इसलिए यहाँ पर तत्कालीन जो हिंदू समाज था, हिंदू दर्शन था, उसकी जितनी भी मान्यताएँ, पंथ और परंपराएं थी, सभी के प्रतीक वहां दिखाई देते हैं। जैसे वहां शाक्त संप्रदाय में देखिएगा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है, आप वहां वैष्णव संप्रदाय के चिन्ह देख सकते हैं, आप वहां शैव परंपरा के चिन्ह देख सकते हैं। यहां तक कि उमगा का जो मुख्य मंदिर है उसमें सौर परंपरा जो है उसमें भगवान सूर्य की प्रतिमा है और उसके दाएं बाएं गणपति और भैरव हैं जो शैव परंपरा के प्रतीक हैं। उस मंदिर के बाहर जो गरुड़ स्तंभ बना है वो वैष्णव परंपरा का है। तो दरअसल वहाँ के जो रचनाकार थे उमगा के, उन्होंने सभी धर्मों, सभी मान्यताओं के अनुसार सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई और जितने पत्थर वहाँ से काटे गए हैं साफ तौर पर उससे जाहिर है, जिस मात्रा में काटे गए हैं, जिस संख्या में काटे गए, कम से कम देव और उमगा जैसे 50 बड़े मंदिरों का निर्माण इन पत्थरों से हुआ। उमगा पहाड़ी का नाम उमगा माँ उमंगेश्वरी के नाम पर रखा गया है। वहाँ एक बड़ी चट्टान है, एक बड़े से कमरे के आकार की, उसके अंदर छोटी सी जगह है जहाँ पर महिषासुर मर्दिनी की स्थापना है, प्रतिमा स्थापित है, और इस पूरी पहाड़ी का नाम उस उमंगेश्वरी माता है, उमगा माता के नाम पर उमगा पहाड़ कहा जाता है। ये प्री आर्यन ट्रेडिशन के भी वहाँ पर कई प्रमाण हैं, जिसमें से कि ये भी है। हमारे यहाँ शाक्त पूजा परंपरा, जो देवी पूजा परंपरा विकसित हुई है, वो मार्कंडेय पुराण के बाद से शुरू हुई है, और मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं उसमें दुर्गा जी की सभी जो उनके स्वरूप हैं उनका नाम अंकित किया हुआ है, लेकिन उमंगेश्वरी नाम नहीं मिलता है। उमंगेश्वरी नाम दरअसल प्री आर्यन ट्रेडिशन का रहा है, और वहाँ पर आप देखेंगे बाद में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई है, लेकिन इस प्रतिमा की स्थापना से काफ़ी पहले
इन मंदिरों की स्थापना से काफी पहले से वहां पर पूजा परंपरा आती चली आई थी। वहां की जो आदिवासी वनवासी सभ्यता थी वो मातृप्रधान सभ्यता थी, उन्होंने माताओं की पूजा की, मातृशक्तियों की पूजा की, और बाद में आर्यन सभ्यता ने उसको आत्मसात कर लिया। आज भले वहां पर महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन इस पहाड़ का नाम उमंगेश्वरी होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये पूजा परंपरा काफ़ी प्राचीन चली आ रही है। आप कई वहाँ पर ऐसी प्रतिमाएं देखेंगे जिनके चेहरे आर्यन देवताओं जैसे नहीं लगते, जैसे मूछ दाढ़ी वाले देवता, सिंहों वाले देवता, ये कहीं ना कहीं प्री आर्यन ट्रेडिशन के ही को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक मंदिरों का सवाल है, दंत कथाओं के अनुसार यहाँ पर 52 मंदिर हैं, 52 मंदिरों का एक समूह था। लेकिन आज अगर आप इस मंदिर को गौर से देखें, इस पूरे इलाके को देखें, तो 14-15 मंदिरों के ध्वंसावशेष आप आसानी से गिन सकते हैं आज भी। तो हो सकता है कि बाकी बहुत सारे मंदिर समय के थपेड़े खा करके ढह गए हों। इतना ही नहीं, इसके आसपास बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो यहाँ के पत्थरों से निर्मित हुए हों, जैसे देव का सूर्य मंदिर, जैसे देवकुंड का सूर्य मंदिर। यहाँ पर इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो उमगा पहाड़ी से निकाले गए थे। उमगा के मंदिर की सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि पूरे बिहार में ये शायद सबसे प्राचीन, सबसे सुरक्षित नागर शैली का बना मंदिर है। और जितने भी मंदिर हैं या तो इससे बहुत बाद के हैं या फिर इतनी क्षतिग्रस्त हालत में हैं कि आप उनकी पूरी संरचना के बारे में एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते। जहाँ तक कि उमगा का सवाल है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो आप यहाँ पर मंदिर निर्माण शैली की सारी बारीकियों को देख सकते हैं। अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं तो आपको सभी आपकी धार्मिक जो भी मान्यता है उसके अनुसार देवी देवता यहाँ पर स्थापित हैं। अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो 1000 साल 1500 साल पुरानी परंपरा को आप यहाँ सीधा महसूस कर सकते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो पूरी दृश्यावली इतनी खूबसूरत है कि जिसके बारे में बुकनिन ने कहा था कि इतने खूबसूरत दृश्य तो यूरोप के भी कई स्थलों पर नज़र नहीं आते हैं। तो हर दृष्टिकोण से आवागमन के माध्यम से देखें, बिल्कुल जीटी रोड पर है, आपको कहीं बहुत सुदूर जंगलों में नहीं जाना पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा पहाड़ चढ़ने नहीं पड़ेंगे, तो हर लिहाज से बहुत खूबसूरत स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, बिहार के हृदय स्थलीय बसा स्थल है, इस लिहाज से बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंस है।